मंजिल तो मिल ही जाएगी कभी भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं इसीलिए कामयाबी की तरफ पहला कदम बढ़ाना बहुत जरूरी है शुरुआत हमें ही करनी होगी और उस शुरुआत को शानदार बनाने के लिए एक बार फिर से दिस इज शिल्पा भावना विद योर वेरी ओन शो बिग बिजनेस आइडियाज powered by टैप फॉक्स Beyond Socializing. दोस्तों ये सच है कि कामयाबी का कोई शोर शॉर्ट फॉर्मूला नहीं होता लेकिन ये भी सच है कि कामयाबी तक पहुंचने वाले रास्ते को ट्रेनिंग के जरिए आसान जरूर बनाया जा सकता है आज हमारे देश में ऐसे बहुत से व्यवसायी हैं जो बिना किसी ट्रेनिंग के अपना व्यवसाय चला रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है दूसरी ओर ऐसे बहुत से लोग हैं जो व्यवसायी बनना चाहते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो ट्रेनिंग कहाँ से लें तो चलिए इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं द ओथर ऑफ द बिजनेस बुक्स द फिलोज द बिग बिजनेस एक्सपर्ट मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता नमस्कार सर मोस्ट वेलकम थैंक यू आइए प्लीज सुनील जी लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री की जब हम लोग बात करते हैं इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री इसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है वो ट्रेनिंग का रहता है लेकिन जब हम लोग कहते हैं ट्रेनिंग तो ऐसा लगता है कि शायद ये किसी टेक्निकल चीज से जुड़ा हुआ है किसी मशीन को चलाना सीखना है लेकिन इस ट्रेनिंग का आयाम एक्चुअली बहुत बड़ा होता है मैं चाहूंगी कि आप उस पर जरूर रोशनी डालें कोई भी ऐसा एक्ट जिससे आपकी नॉलेज इंक्रीज हो या आपका स्किल इंक्रीज हो उसे ट्रेनिंग बोलते हैं जी और ट्रेनिंग लगभग सभी को चाहिए तो जरूरी नहीं है कि टेक्निकल ट्रेनिंग हो वो सिर्फ मशीन चलाना सीखना ट्रेनिंग नहीं, हाँ, हाँ, नहीं है सिर्फ वो ट्रेनिंग हाँ, नहीं है। हाँ, 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 में, भी कानून है हाँ। और कितने तरह के बिजनेस लॉज है जो कि आपके बिजनेस को इम्पैक्ट डालते हैं जी बिल्कुल तो हमारे को ये समझना जरूरी है कि किस ट्रेनिंग की इंटरप्रनर को जरूरत है किस ट्रेनिंग की उनके इम्प्लॉय को जरूरत है किस ट्रेनिंग की टॉप मैनेजमेंट को जरूरत है और किस ट्रेनिंग की हमारे जो मशीन पे हमारा वर्कर बैठा है जो सबसे इंपॉर्टेंट इम्प्लॉ होता है कंपनी का उसकी जरूरत है लेकिन सुनल जी अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर लगभग छः करोड़ के करीब एम हैं और आज जब हर कोई ऑन्टरप्रन्योरशिप की कीमत को पहचान गया है तो हर दिन एक नया ऑन्टरप्रन्यर भी आ रहा है लोग आगे आ रहे हैं व्यवसाय करने के लिए ऐसे में आपको क्या लगता है कि हमारे देश में जो एक ट्रेनिंग का गैप है कि कितने लोगों को ट्रेनिंग मिली है और कितनों को नहीं मिली और कितने लोग अभी तक अनअवेयर हैं कि उन्हें ट्रेनिंग लेनी है आप उस पूरे गैप को कैसे देखते हैं भारत में कितनी जरूरत है इसकी हमारे देश में लगभग 89% इंडस्ट्रीज या बिजनेस हाउसेज ऐसे हैं जिनको किसी ना किसी तरह की ट्रेनिंग चाहिए यस yes. जिससे कि वो अपनी प्रोडक्शन को एनहांस कर सकें जी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकें और जो हमारे देश में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं हर एंटरप्राइजेस के पास जी उन सब मध्य मद्देनजर अगर ट्रेनिंग उनके पास होती है तो वो उसको ज्यादा तेजी से अपने प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकते हैं लिमिटेड में और क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं जी तो ट्रेनिंग हर तरह से मदद करती है एक व्यवसायी को और सुनील जी आपको बता दूं कि आज हमारे साथ प्रोग्राम में एक ऐसे ही मेहमान आने वाले हैं जो भारत के नागरिकों तक इस ट्रेनिंग को पहुंचा रहे हैं तो उन्हें बुला लिया जाए जी जरूर दोस्तों आज के हमारे मेहमान पिछले दो दशकों से व्यवसाय के क्षेत्र में प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग को प्रोत्साहन देते आए हैं आपकी संस्था भारत के युवाओं को वोकेशनल और ट्रेनिंग दे रही है और साथ ही आप सरकार की ट्रेनिंग रिलेटेड लगभग सभी स्कीम्स को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं प्लीज वेलकम दे द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मिटकॉन कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड डॉक्टर प्रदीप बावडेकर नमस्कार सर बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है सर जी प्लीज विराजी प्रदीप जी एक सवाल जो मेरे जहन में सबसे पहले यही उठ रहा है कि ट्रेनिंग हालांकि हमेशा से हमारे देश की एक नीड रही है लेकिन आपका क्या विजन रहा मिटकॉन को शुरू करने का या फिर क्यों आपको लगा कि जरूरत पड़ी मिटकॉन को बनाने की मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ जी कि मिटकॉन कंपनी को मैंने शुरू नहीं किया ओके एटी टू में ये कंपनी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो इक्विटी पार्टिसिपेशन फ्रॉम लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक आई सी आई सी आई आई डी बी आई आई एफ सी आई या नेशनलाइज बैंक थे जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया महाराष्ट्र बैंक या देना बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा और महाराष्ट्र सरकार के जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के कारपोरेशन थे जैसे कि एम आई डी सी इनकी इक्विटी से यह स्थापित हुआ है आई बोर्डेड द ट्रेन मिड वे यानी कि 1995 में उन्नीस <laughs> सौ में मैं यहाँ आया और मैनेजिंग डायरेक्टर करके पिछले दो दशकों से मैं वहाँ काम कर रहा हूँ मिटकॉन की जो शुरुआत हुई है उसमें प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज कि जो आंट्रप्रेनर्स उभरते आंट्रप्रेनर्स है उद्योजक हैं उनको प्रशिक्षित किया जाए हुँ. और उन्हें जरूरत पड़े तो कंसल्टेंसी सर्विसेज दी जाए जी. जिसकी वजह से उन्हें अपना व्यापार करना आसान होगा। और पिछले तीन दशकों से, से दो दशक इसका उम्दा काम कर रहे है आप दोनों के ही मुताबिक ऑन्टरप्रन्य ट्रेनिंग जरूरी है लेकिन हम लोगों ने समाज में लोगों से बात की थी तो उनका कुछ मिला जुला रेस्पॉन्स है कुछ कहते हैं जरूरी है कुछ कहते हैं नहीं है आपको दिखाना चाहेंगे प्लीज अगर आज के टाइम में कोई पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उन्हें उन्हें ट्रेनिंग डेफिनेटली लेनी चाहिए देखिए ऑन्टरप्रिनरशिप के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है मुझे ऐसा लगता है कि किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है ऑन्टरप्रिनरशिप जो होती है इसमें ये भी कुछ लोगों में विद इन होता है मतलब इनसाइड होता है उनमें और उस चीज़ को बाहर एग्जीबिट करना होता है इसके लिए मेरे हिसाब से कोई ट्रेनिंग की जरूरत होती नहीं है बट कुछ चीज़ का कुछ फील्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ आपको गाइड करने के लिए मतलब उस गाइड करने के लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ सकती है मैं अगर चाहूँ कि मुझे मधुमक्खी पालन करना है मेरे पास कैपिटल भी हो है लेकिन एक तरीका होता है जिस तरीके से मैं अच्छी तरह कोई काम कर सकता हूँ हाँ इसके लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो लोगों के अंदर एक असमंजस है कि शायद ऑन्टरप्रन्यरशिप के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है लेकिन हाँ अगर आपको कुछ टेक्निकल सीखना है जिसको एक करने का प्रॉपर तरीका होता है उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए पहले आपसे जानना चाहूंगी आपको क्या लगता है मेरे को लगता है कि इंटरप्रनियरशिप की ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है आहा? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ट्रेनिंग का मतलब है कि हम इनहांस कर रहे हैं अपनी स्किल को और अपनी नॉलेज को तो यदि आपकी नॉलेज और स्किल इन्हांस होती है तो आप अच्छी तरीके से कोई भी इंडस्ट्री लगा सकते हैं या कोई भी सर्विस सेक्टर का यूनिट लगा सकते हैं जी इंटरप्रनोर क्या होता है सबसे पहले अपना पैसा लगाता है जी अपना टाइम लगाता है एफर्ट लगाता है किसी तरीके से उस मुकाम पे पहुंचता है स्किल्ड लेबर रखता है अपने पास अनस्किल्ड लोग रखता है अपने पास और उन सबको मिलाता है और किसी तरीके से अपनी प्रोडक्ट बनाता है जब वो प्रोडक्ट बना लेता है तो उसे लगता है मैंने सब कुछ अचीव कर लिया और मुझे लगता है स्टोरी वहीं से शुरू होती है उसके बाद उसको सेल करने से लेकर के उसका पैसा रिकवर करने तक प्रॉपर एक प्रशिक्षण चाहिए चाहिए और इसके अलावा उसके बाद जो लॉ आते हैं जो कानून जो लगभग तीस चालीस तरह के कानून है वो उसको चकड़ लेते हैं तो इन सबसे दो दो हाथ करने के लिए उसे ट्रेनिंग चाहिए जी वो बहुत जरूरी हो बहुत है। है। आपसे मैं जानना चाहूंगी प्रदीप जी कि आप लोग तो खुद <laughs> लोगों का जो लोग ऑन्टरप्रनशिप का अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनको सेटअप करने के लिए भी आप लोग मदद करते हैं तो आप कैसे देखते हैं इसे ऐसा है कि जिनके मैंने इंटरव्यूज देखे जी बहुत सारे प्रोफेशनल्स हाईली क्वालिफाइड तो ये प्रोफेशनल्स को उनके जो ट्रेनिंग के दौरान अनुभव मिलता है उसकी वजह से वो अपना एक प्रोफेशनल एक एंटरप्राइज चालू कर सकते हैं लेकिन हाँ। जो अक्सर इंडस्ट्री की अगर आप बात करें तो इंडस्ट्री बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर में जिसको काम करना है शुरुआती दौर में उसे अगर आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है तो उनका सक्सेस रेशो बढ़ता है ऐसा हमारा पिछले तीन दशकों का अनुभव है जी। क्योंकि जैसे साहब ने कहा कि कोई जो व्यवसाय होगा जी। उसमें आपको काम करना है मेन मैंने मैन्टर के साथ काम करना है आपको काम करना है मशीन्स के साथ मनी के साथ मटेरियल के साथ और मार्केट के साथ तो ये सब चीजें हर इंसान को व्यवसाय शुरू करने के पहले दिन मालूमत नहीं होती इनकी हाँ। इसलिए अगर वो प्रशिक्षित हैं तो उनका अप्रोच एक एटीट्यूड हर चीज के या हर जब आगे आने चैलेंज आएगा, hmm. उसके लिए वो तैयार रहता है। जी, पिछले तीन दशकों से महाराष्ट्र और गोवा में हमने ज्यादा काम किया okay. और यहाँ वेरियस प्रोग्राम्स हमने लिए हैं जैसे हम ऑन्टरप्रनशिप अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं जी जिसमें आ, हमारे पास दसवीं फेल से लेके ग्रेजुएट इंजीनियर्स तक सभी आ, तरीके के okay, नौजवानों right. को यहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम में शामिल किया जाता है तो हम जो ट्रेनिंग में और काउंसिलिंग में ये ऐसे उसका कॉन्फिडेंस जगाते हैं उसके बाद पूछते हैं कि आपके पास क्या स्किल सेट है कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे आपने एक रुपया दिया तो शायद बैंक का दो रुपया मिलेगा कौन से गवर्नमेंट स्कीम में आपको फायदा मिल सकता है और इसकी टेक्नोलॉजी कहाँ है मार्केट इसका दिया जाता है और के बाद वो व्यक्ति तय करता है कि उसे क्या व्यवसाय करना चाहिए कई बैचेस है कि जहाँ फीस ये पार्टिसिपेंट देते हैं और कई है कि जिनके लिए गवर्नमेंट स्कीमों में प्रावधान है ये बात मेरे जहन में बिल्कुल उठ रही थी सुनील जी आपसे जानना चाहूंगी मैं कि जब हम एमएसएमई एस एम की बात करते हैं वो लोग जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं अपने किसी काम को करने के लिए उनके पास इतने रिसोर्सेज या इतना फंड तो उनके पास होता नहीं है कि वो सीखने के लिए जाएं और उसकी एक फीस पे करें क्या ऐसा हो सकता है कि जो वो लोग सीखने के लिए जा रहे हैं वो उन्हें निशुल्क प्रशिक्षण मिल जाए ऐसा कुछ हो बिलकुल होता है क्योंकि गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्री है अलग अलग मिनिस्ट्रीज की अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो okay. वो स्पॉन्सर करते हैं और मिटिक हाँ मिटिकॉन हाँ। जैसी ऑर्गेनाइजेशन और कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके माध्यम से उसको कंडक्ट करते हैं okay. मतलब उसका पैसा वो जो ट्रेनिंग होते हैं उसका पैसा गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है हाँ गवर्नमेंट हाँ। की वो मिनिस्ट्री स्पॉन्सर करती है हाँ। मिनिस्ट्री ये देखती है कि हमारे मिनिस्ट्री के अंतर्गत जितनी इंडस्ट्री आती है हाँ हा। उन इंडस्ट्री में कितनी ट्रेनिंग और कितनी इंडस्ट्री लगने की जरूरत है और उसमें कितने ऐसे गैप है जो कि लोगों को ट्रेनिंग चाहिए तो उस गैप को, ग्याप को कर करके अपनी स्कीम निकालते हैं कि कितने लोगों को ऐसी ट्रेनिंग दी जानी है जी। और उसके लिए उन्होंने इम्पेनल्ड की हुई है अपने यहां पे ऑर्गेनाइजेशन जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेट करती हैं जैसे मिटी कौन है जिसको प्रमोट गवर्नमेंट के बैंक्स और ने किया हुआ है जी जी। तो जिसके ऊपर एक विश्वास होता है कि जो ट्रेनिंग का पैसा स्पॉन्सरशिप में इनको दिया जाएगा जी। उसमें बेहतर तरीके से ट्रेनिंग इम्पार्ट करेंगे जो यूथ है और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको अब तीनों तरह की स्कीम बल्कि मैं कहना चाहूंगा स्पॉन्सर जिसमें गवर्नमेंट पैसा देती है ट्रेनर्स को जी। और जो खुद लोग पैसे देके अपना ट्रेन करते अपनी ट्रेनिंग लेते हैं और ऐसी स्कीम जिसमें कि आपको भी मिलता है मतलब आप जब सीखने के लिए जाओगे तो उसकी एवज में भी आपको आपको में मिलेगा, भी मिलेगा।, भी मिलेगा। वो आपको ये भी देखेंगे कि आपके अंदर क्या हुनर है उसी हुनर के हिसाब से आपको स्टेपेंट भी मिलेगा जी लेकिन मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जो हमारे यूथ हैं इस ट्रेनिंग का फायदा उठाना चाहे स्पॉन्सर का जरूर उठाए लेकिन जो जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है वो चाहे कितना भी छोटा है लेकिन वो देश की रीड की हड्डी है बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा आप जो भी कुछ कमाते हैं उसमें से एक बहुत कम पार्ट यदि आप कुल पांच परसेंट अपनी कमाई का जी। या दस परसेंट अपनी कमाई का अलग रखें अपने इंप्लॉइज की ट्रेनिंग के लिए तो आप देखेंगे ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है इससे जो आपका प्रॉफिट होगा वो टेन टाइम्स होगा मतलब ये रिवर्स रिवर्स मैकेनिज्म में आप देखेंगे कि आपने सौ रूपए रुपए ट्रेनिंग के लिए रखे तो उसका फायदा आपको वापस सौ बिजनेस शुरू करना चाहता है तो कई बार जैसे अभी आपने कहा कि ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है लेकिन अगर किसी युवा के अंदर यही प्रतिभा है कि वो किसी को ट्रेन बहुत अच्छा कर सकता है तो आपको नहीं लगता की उसी के लिए एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जी मैं बहुत सारे रीजन बता सकता हूँ की क्यों इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जी जरूर पे तीन बताना चाहूंगा मैं आपको हुँ. कि पहला कारण है कि आपकी नॉलेज को एनहांस करना जरूरी है जो बिल्कुल नीचे मशीन पे काम कर रहा है और जो सबसे टॉप पे टॉप मैनेजमेंट में कंपनी का सीईओ है सबको ट्रेनिंग की जरूरत है जी. दूसरा मैं बताऊंगा जो जनरेशन गैप आता है और जो टेक्नोलॉजी से गैप आता है Hmm. वो गैप अब बहुत जल्दी आने लगा है जी। क्योंकि टेक्नोलॉजी दो साल एक साल और कई बार छह महीने में अप्सिलीट हो जाती है इसीलिए हमारे को बार बार ट्रेनिंग की जरूरत है अगर hmm. आपने दो साल पहले ट्रेनिंग ली है फिर टेक्नोलॉजी अप्सिलीट होगी तो फिर आपको ट्रेनिंग की जरूरत hmm. है और तीसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे देश में अनस्किल्ड लोग बहुत ज्यादा हैं स्किल्ड लोग की बहुत ज्यादा कमी है जी। तो अनस्किल्ड वर्कफोर्स को स्किल्ड वर्कफोर्स बनाने के लिए जो युवा आगे आना चाहते हैं और अपना ट्रेनिंग का कोई इंटरप्राइज खोलना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत 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 अपॉर्चुनिटी मतलब मार्केट मार्केट बड़ा बड़ा है मार्केट उनके लिए। बहुत बड़ा है और ये अभी बड़ा नहीं है ये अगले बीस सालों तक बहुत बड़ा है प्रदीप जी जैसा की सुंदर जी ने अभी कहा कि ट्रेनिंग की जरूरत आ, एक व्यक्ति जो की मशीन पर बैठ काम कर रहा है लेबर फोर्स है उसकी उसको भी जरूरत है और ट्रेनिंग की जरूरत उस कंपनी के सीईओ को भी है आप कॉरपोरेट ट्रेनिंग को कैसे देखते हैं कि वो जो सीईओ है उसके लिए कितनी महत्वता है इस कॉरपोरेट ट्रेनिंग की स्पेशली इन इंडियन सोसाइटी आपने देखा होगा कि जिस आ, तेजी से वक्त बदल रहा है जे. कोई भी कितना भी बड़ा अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो भी तो मुझे नहीं लगता है कि तेजी से बदलने वाले ये सब स्थितियों का उसे अंदाज आता है हाँ. आज हर एक आदमी को चीफ एग्जीक्यूटिव को या डिसीजन मेकर को आज लैपटॉप पे अगर पूरे आवश्यक जो सॉफ्टवेयर है उनका अगर इस्तेमाल करना नहीं आता है तो डिसएडवांटेज एक वो चीज हो गई दूसरी है कि ये जो सब सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है नेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट है एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है हर चीज का जितना इंसान के जिंदगी पे असर होता है उतना ही असर उद्योग व्यवसाय पे होता है जो कैप्टन ऑफ शिप है उसे अगर ये अनुमान करने की ताकत नहीं है अंदाज़ को इंटरप्रेट करने की ताकत नहीं है तो अपना जहाज़ कैसे चलाएगा इसीलिए बदलते आ, स्थिति में औद्योगिक और, और आर्थिक स्थिति में चीफ एग्जीक्यूटिव हो या उनके सिपाही साल हो, हर चीज़ हर इंसान को प्रशिक्षण लेना पड़ेगा और ख़ुद को अप टू डेट और फिट रखना पड़ेगा आजकल ऐसा कोई नहीं है कि जो ये कहे कि भाई आई हैव ऑल मोनोपोली ऑफ नॉलेज एंड आई रियली डोंट नीड एनीथिंग A है जो आगे उनकी करें। लेकिन वो उनको मिल नहीं पाते उनको दूसरे एम्प्लॉय रखने पड़ते हैं तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ की टैलेंटेड पर्सन आए और अपना टैलेंट बताए और वहां पे आके एंटिटीज उनको हायर करें आप चाहे एमबीएस को ले लो चाहे बीटेक को ले लो आ इतने समय लगाने के बाद भी अच्छी जॉब्स नहीं सिक्योर हो रहे हैं रीजन क्या है कि हमसे पढ़ रहे हैं और थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत कम है हमारे देश के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें वोकेशनल सब्जेक्ट्स होने चाहिए आ, अगर आप चाइना की अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल लें तो चाइना की अर्थव्यवस्था में बच्चों को सेकेंडरी स्कूल से ही किसी टेक्निकल सब्जेक्ट पर पढ़ाया जाता है यू अग्री विद दिस हमारा जो स्कूल का करिकुलम है वहीं से जो ये ट्रेनिंग का पार्ट है वोकेशनल का पार्ट है वो सब कुछ वहीं से शुरू होना चाहिए बिल्कुल ठीक बात है देखिए मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे देश में जितनी भी पढ़ाई है हाँ। वो कितने भी पढ़ ले कोई भी एजुकेशन ले ले चाहे वो इंजीनियर बने जी और चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने चाहे वो कंपनी सेक्रेटरी बने या वो कोई मशीनिस्ट का कोर्स करके मशीनिस्ट बने उसके पास इम्प्लॉयबल स्किल नहीं होती मतलब जब वो पास आउट होकर निकलता है तो उसको पहले दिन वो जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होता क्योंकि उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं लोती है जी। और यहां तक कि मैं ये कहूंगा जो प्रोफेशनल लोग हैं जो अपना प्रोफेशनल कोर्स और ट्रेनिंग करके आते हैं उनको फिर फर्दर ट्रेनिंग की जरूरत है क्योंकि लॉ बहुत तेजी से चेंज हो रहा है और ट्रेनिंग प्रोफेशनल बने और ट्रेनिंग कंपनी खुले तो ये और भी मजे की बात है तो जिससे हमारे कि बहुत, देश सारे के लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा प्रदीप जी आपकी जो संस्था है आपके सरकार से भी टाइप्स रहते हैं और आप लोग उन लोगों को भी छूते हैं जो कि अल्टीमेट बेनिफिशरीज हैं तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि उन बेनिफिशरीज के लिए आप सरकार की कुछ ऐसी कुछ पांच स्कीम्स बता दें जिससे वो लोग अमूमन फायदा उठा सकते हैं कुछ ऐसी टॉप फाइव गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर हम बात करें एक स्कीम है मेक इन इंडिया जी तो आप वहाँ कोई विशिष्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं जी जैसे कि टेक्सटाइल है सपोज या फूड प्रोसेसिंग है जी तो इसमें ये स्कीम के प्रावधान जो है वो मददगार साबित होते हैं दूसरी एक स्कीम है इनोवेशन के बारे में ओके जिसमें काफी असिस्टेंस है एक है स्कीम टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर्स मैं खुद ऐसा एक इनक्यूबेटर चलाता हूँ okay. तो एक स्कीम है स्टार्टअप इंडिया करके हुँ तो जिनको जिनके पास कोई इनोवेटिव कल्पना है जिनको ऐसा प्रोग्राम जिनको ऐसा नया वेंचर चालू करना है वो हमारे जैसे इंक्यूबेटर्स के पास आके अपना एक्सप्लेनेशन और प्रेजेंटेशन दे तो हम लोग उनके सर्टिफाई करते कि भाई ये इनके पास कुछ सच सचमुच एक अच्छी कल्पना है जिसे कमर्शलाइज किया जा सकता है एक हैंड होल्डिंग करने के लिए एम एस एम ई की स्कीम है जैसे कि एस्पायर करके हैं तो इन्होंने एजेंसीज एम्पैनर करके रखी है और आप जो बार बार कह रही है कि भाई ट्रेनियस ट्रेनिंग इट्स कैन बी अ बिजनेस येस हम लोग ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं आंतरप्रेश डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद बेस्ड है वो भी बहुत अच्छे तरह से ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं जिसको इसका लाभ उठाना है okay. वो जरूर हमारी वेबसाइट देखें एडीआई okay. की वेबसाइट देखें और उसका आवश्यक तो प्रशिक्षण करके ये भी भी चालू कर सकते हैं अब है आपका सेगमेंट यानी कि हम जवाब देने वाले हैं आपके सवालों के छत्तीसगढ़ से राजा जी हैं आप कहते हैं कि आप एक एस सी हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या एमएसएमई पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में एस सी के लिए कोई रिजर्वेशन होता है बिल्कुल होता है रिजर्वेशन इसको ट्वेंटी स्कीम बोलते हैं जो भी टोटल प्रोडक्शन पब्लिक सेक्टर को लेनी होती है उसका ट्वेंटी उनको एम एस हैं एमएसएमई सेक्टर से लेना पड़ता है झांसी मतलब से सर मैं आपका प्रोग्राम रेगुलर देखता हूँ मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है सर मुझे बिजनेस करना हेलो वाटर है जैसे बिस्लरी वाटर तो इसके लिए क्या मुझे सरकार से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कृष्णा को कि आपको जो एक नॉर्मल इंडस्ट्री लगाने के लिए जो नॉर्मल प्रमोशन परमिशन चाहिए होती हैं वो तो लेनी ही पड़ती हैं इसके अलावा एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है जो हमारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है

शड एते यत्र वर्तन्ते तत्र तेवा सहाय करता क्या बात है भगवान कहाँ सहायता करता है जहां उद्यम है प्रयत्न है साहस है, 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 है। आंतर पंदर कौन जो धाड़स करता है जी। साहस करता है किस लिए वो कमर्शियल रिटर्न मिलने के लिए साहस करता है व्यापारी लाभ के लिए साहस करता है शासन और शासन की स्कीमों का जरूर लाभ उठाए लेकिन वो अकेला आपके व्यवसाय को तरक्की पे तरकी ले जाने के लिए वो काफी नहीं है मेहनत आपको करनी पड़ेगी अपनी तरक्की खुद करने की कोशिश करें जी ये मेरा करे निवेदन है जी तो मार्केटिंग इन सब चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मिटकौन से उसकी ट्रेनिंग ली जा सकती है अब हम चाहेंगे सुनील जी हमारे सभी दर्शकों के लिए आपका आज का बिजनेस मंत्र जो व्यक्ति है वो खुद ही सबसे बड़ी असेट होता है अपने लिए तो उसे अपने आप को ट्रेन करने के लिए और स्किल्ड करने के लिए अपनी जो मनी और जो अपनी जो मनी है और जो ऊर्जा है उस पर लगानी चाहिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि अमूमन हम लोग फिजिकल चीजों पे इन्वेस्ट करते रहते हैं लेकिन खुद पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं और प्रदीप जी आपको बता दूं कि अब हम लोग आ गए हैं अपने प्रोग्राम के उस सेगमेंट में जिसे मैं कहती हूँ शिल्पा भावना स्पेशल बिकॉज इट इज अ रैपिड फायर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आपको बहुत जल्दी जल्दी उनके जवाब देने हैं आपके पास सोचने का ज्यादा समय नहीं होगा रेडी कोशिश करेंगे अच्छे ऑन्टरप्रन्योर की इन क्वालिटीज को प्रायोरिटाइज करें ट्रेनिंग एजुकेशन करिकुलम में शुमार होना चाहिए हाँ या ना हाँ जरूर होना चाहिए ट्रेनिंग एक व्यवसाय का व्यक्तित्व बदल देती है हाँ बिल्कुल अच्छी ट्रेनिंग पाने के लिए मिटकॉन का साथ मैंडेटरी है मैं जरूर कहूंगा लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि मेरे जैसे काफी ऑर्गेनाइजेशन है देश में काम कर रही है और लोग सब इनके साथ जुड़ जाए मेडकॉन के पास आते हैं तो उनका स्वागत ही है जी क्योंकि आपने सवालों के जवाब बहुत जल्दी जल्दी दिए हैं सो वी है स्पेशल गिफ्ट फॉर यू जाने से पहले जरूर कहना चाहूंगी कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को अपनी आदत बनाएं क्योंकि हमारी आदतें ही हमारा के स्वामी बन जाते हैं उस दिन हमारी काबिलियत और हमारी खुशियां दोनों हमारे हाथों हो में होती हैं शिल्पा भावना को आज के लिए दीजिए इजाजत अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात थैंक यू सो मच जय हिंद Big Business Ideas